चलिए नेक्स्ट हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी हमारा इंडेमिटी खत्म हो गया, 42 यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट। तो गारंटी जो है हमारे बैंक में यूज होती है, ठीक है। अच्छा, गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वो बैंक में दोनों तरफ से यूज होता है, यानी कस्टमर भी बैंक में आके गारंटी देता है और बैंक भी किसी के लिए गारंटी करता है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके वो देख लो पॉइंट क्या, पार्टीज क्या है, पार्टीज। तो पार्टी में इसमें जो आंसर है कई बच्चों का गलत होता है, कितनी होती है भैया? मैं भी घुमाने वाला था, तीन तीन, थ्री और मोर है, बिल्कुल 2000 लोग भी हो सकते हैं, ठीक। क्या है, एक बंदे ने क्या लिया, लोन लिया, किससे? बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। और बैंक से लोन ले लिया तो इसने, एक बंदे ने विटनेस नहीं गारंटी, विटनेस और गारंटी में क्या फर्क है? विटनेस मतलब मेरे सामने हो, हाँ ये मेरे सामने हो रहा है, जरूर थोड़ी मैं पैसा दूंगा, हाँ जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में गारंटी नहीं होती, विटनेस पहचान कि हाँ ये मैं पहचान तो यहाँ रहता 6 महीने से, ठीक है। अब तो कितनी पार्टी हो गई, एटलीस्ट 3, हाँ एटलीस्ट 3 है इसका। और एक बात और है कि गारंटी जो होती है उसमें दो लोगों के बीच में तय हुआ है कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं उसको कवर करने के लिए, अगर ये नहीं देगा तो मैं तो ये देगा। सर ऐसे में क्या है, दो बंदे गारंटी ले सकते हैं कि तक मैं दूंगा? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल 5000 गारंटी ले सकते हैं, तभी तो लिखा हुआ है थ्री और मोर, या एक से ज्यादा लोगों ने लोन लिया हो, अच्छा। दो भाइयों ने लोन लिया उसके दोस्त उसको गारंटी कर रहे, अच्छा। इवन एक से ज्यादा लोगों से लोन लिया हो, कंसोर्टियम, समझ में बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी ले ली, तो देने वाली पार्टी और लेने वाली पार्टियों की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। तीन आस्पेक्ट है, तीन होंगी, तीन के बाद 4-5 कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। तो क्या बोला देखो उसमें, और ये फीचर तीन होंगे ना, लेकिन लोग ज्यादा जो थ्री एंड मोर है लिखा है हमने, ये देखो ये अभी सामने जो बोर्ड पे लगे 7 दिख रहे हैं, बट एक्सपेक्ट तीन है ना बस, ट्रायंगल ये भी ज्यादा हो सकते हैं, ये भी ज्यादा हो सकते हैं और ये भी ज्यादा, ठीक हो गया। तो समझ में आ गई बात, तो पार्टी ऑफ पार्टीज और टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता देखो, पहला बोलता है जो गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं गारंटर, पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हूज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन कॉल्ड द क्या है, प्रिंसिपल डेटर। तो आप देखो जिसने लोन लिया है, जिसने लोन लिया इसको पता ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं, प्रिंसिपल डेटर हो गया, इसको बोलते हैं क्रेडिटर। प्रिंसिपल डेटर क्यों बोला हुआ, मेन वो बंदा है, मेन बंदा जो है, मेन बंदा से मतलब दो तीन बंदे भी मिलकर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल डेटर हो गया। आगे देखो इसमें एग्जांपल हम कुछ नहीं पढ़ रहे, नीचे आ जाओ, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंप्लाइड। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कंसीडरेशन। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल थे, तो उसमें पहला प्रिंसिपल क्या आ गया, क्या होना चाहिए भैया, कंसीडरेशन होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या आई, कंसीडरेशन। अब वही बात थी, कंसीडरेशन क्वांटिफाई होना चाहिए, कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, क्वांटिफाई। तो लिखा है एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, इसके बेनिफिट के लिए क्या बोलता है, इज अ सफिशियंट कंसीडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग एग्जांपल। इसमें कुछ तो कंसीडरेशन जो हमने एक्ट करा, कुछ ना कुछ होना चाहिए, भाई क्या दे रहा है उसके बदले मुझे क्या देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बोलता है द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी, तो लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी का पहली लाइन देख लीजिए क्या लिखी हुई है, द लाइबिलिटी ऑफ, ये देखना ये वर्ड है, एक वर्ड आ गया है, देखना जरा, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव, क्या लिखा हुआ है, को एक्सटेंसिव, को एक्सटेंसिव का मतलब था दोनों की, ठीक है, विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहां सुनो, इसने बोला अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कहने का मतलब है कि नॉर्मल रूप से को एक्सटेंसिव होती है जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में ये बात साफ साफ ना लिख दी जाए कि भैया
मेरी गारंटी तब शुरू होगी जब ये नहीं दे पाएगा। ये तो शुरू में लिखा जाएगा सर? नहीं लिखा जाता है, बैंक हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्ट में को एक्सटेंसिव गारंटी करता है, लिखता ही नहीं है कि आदि से तेरी भी उतनी जिम्मेदारी है। लिखता वो साइलेंट रहता है, यानी को एक्सटेंसिव पे काम करता है दोनों की बराबरी। हाँ, दोनों की बराबरी। कभी होता है बराबर गारंटर कहता है भैया पहले उससे ले लो, तो नहीं, वो उसकी पहले दिन से ही पूरी जिम्मेदारी है। ये जरूरी नहीं कि भैया वो अभी तो जिंदा है, जब तक वो नहीं मर जाएगा तब तक पैसा नहीं दूंगा, ना नहीं कह सकता। अब इसने क्या बोला, अनलेस स्पेसिफाइड, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया तब बाद में होगा, तब बाद में होगा। जैसे मान लिया मैं आमतौर पर बैंक की बात नहीं कर रहे, आमतौर भैया ये मेरा मकान तो रख ले, मुझे पैसा दे दे, ठीक है। अब उसने बोला मकान रखना तो एक अलग से होगी सिक्योरिटी, उन्होंने कहा भाई मकान नहीं है मेरे पास, उन्होंने कहा ठीक है यार अपने दोस्त से किसी से साइन करवा दे। उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि भैया पहले इसका मकान जब तक रहेगा तब तक मैं पैसा नहीं दूंगा, मकान बिक जाए उससे जो पैसा आ जाए बचेगा तो ही मैं दूंगा। तो उस केस में क्या है, बिना मकान बेचे इसकी गर्दन नहीं पकड़ी जा सकती। वो क्या होता है, अनलेस स्पेसिफाइड, कि लिखा गया बैंक क्या है, को एक्सटेंसिव गारंटी लेता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, कंटिन्यूइंग गारंटी। एक क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी। तो कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या है, आपका लोन्स होता है ना, क्या लिखा हुआ देखिए कंटिन्यूइंग गारंटी में, लिखा हुआ अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। तो किस केस में होता है भैया, किसमें होता है बताओ, सीसी लिमिट में। सीसी लिमिट में क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी है। हर बार वो जो भी पैसे निकालता है उसके लिए गारंटी जिंदा होती जाती है। और टर्म लोन में जो उसने निकाल लिया वो और उसका ब्याज पे हमारी गारंटी, ठीक है। तो सीसी में क्या होती है, कंटिन्यूइंग गारंटी होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ गारंटी इज नॉन लिमिटेड बाय ओनली वन ट्रांजेक्शन बट टू मेनी ट्रांजेक्शन। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है, ठीक। आगे आ जाओ, डेथ ऑफ द सिक्योरिटी, तीसरा पॉइंट क्या आ गया, सिक्योरिटी की डेथ हो गई साहब, सिक्योरिटी वाली गारंटर की डेथ हो गई। अब गारंटर की डेथ हो गई तो क्या होगा, वो लोग बदलते रहते हैं तो बैंक को देनी पड़ेगी जब तक कि कंपनी बाइंड अप ना हो जाए, ठीक है। वो कंपनी बाइंड अप होने के लिए वो पहले उसे वो सब क्लियर करने पड़ेंगे अपने मामले, ठीक। तो इसमें क्या बोला, अगला पॉइंट क्या है, डेथ ऑफ, तो बोलता है नॉर्मली व्हेन सिक्योरिटी डाइज द गारंटी एंड्स फ्रॉम द डेट, हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल केसेस। आमतौर पर क्या भैया, अब तो चले गए, अब किससे होगा, ठीक है। लेकिन बैंक क्या करता है, लीगल हायर्स को भी उसमें कवर कर लेता है। हाँ, क्या बोलता है, देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द इंटेंशन ऑफ द पार्टी एज रिगार्ड द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। आगे बोलता है, जनरली ऑल गारंटीज ऑब्टेन्ड बाय द बैंक्स आर कंटिन्यूइंग गारंटी। पहली बात तो बोला कि भैया कुछ भी मैं इसके खाते से डेबिट करूंगा वो आपके जिम्मे आता जाएगा। फिर बोलता है, एंड इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द सिक्योरिटी द गारंटर वुड स्टैंड रिवोक्ड फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। एक बात तो ये पक्की है भैया, क्या बोलता है, फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए जिस दिन उसकी डेथ हुई उसके बाद के लिए, वो तो पक्की बात है। और क्या बोलता है, वो उसकी गारंटी। हाँ, दिस इज द प्रिसाइज रीजन व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ ए गारंटर इज रिसीव्ड द बैंक्स प्रेफर टू ब्रेक द रनिंग अकाउंट्स ऑफ ए, वो क्या करता है, बोरोवर के खातों में ट्रांजेक्शन करना बंद कर देता है, ठीक है। अब बोलता है वेरियंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलता है, एनी वेरियंस,
बदलाव वेरियंस का मतलब कि भैया आज तय हो गया कि ये लोन ले रहे हैं और ये मकान बनाएंगे, नहीं देंगे तो ऐसा होगा। कल को उन्होंने मकान की जगह दुकान बना दी तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में वेरियंस आ गया। क्या बोलता है इसके लिए, मेड विदाउट द श्योरिटी कंसेंट। अगर श्योरिटी की कंसेंट के बिना आपने कोई बदलाव कर दिया तो वो श्योरिटी उस काम से बच जाता है। उन्होंने कहा एक मंजिल के लिए लोन लिया था, उसने दो किचन फालतू बना दी और कुछ बात हो गई, कुछ हो गया तो कहे भाई ये तो मुझसे पूछ के नहीं बनाए, इसका मैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। ठीक है, आगे बोलता है डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। डिस्चार्ज का मतलब अगर बैंक ने किसी खास जो बोरोवर है उसको कहा भैया लोन नो ड्यू ले जाओ, आपका लोन माफ कर दिया, जैसे किसान हो पूरा हो गया कुछ भी हुआ वो भी खत्म, तो जैसे ही प्रिंसिपल डिस्चार्ज होता है डेटर तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब एक बार सुनो, बैंक जो है अगर किसी बोरोवर की डेथ हो जाए तो क्या उसको डिस्चार्ज कर देता है लाइबिलिटी से? नहीं करता, डिस्चार्ज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा रिटन में एक्सप्रेस, तभी आपका क्लेम जो है वो गारंटर कहेगा के बाद ऊपर जाएगा। तो बैंक कभी भी डिस्चार्ज करता है नहीं, कब डिस्चार्ज करता है बैंक लाइबिलिटी से, जो उसका लोन पूरा तभी करता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, द सोडी डिस्चार्ज है वो तो कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखो, अगला देखो आगे, फोर बैलेंस ऑफ सीओ, ये क्वेश्चन आएगा पक्का भैया, फोर बियरेंस ये क्वेश्चन आएगा। फोर बियरेंस ऑफ सूट का देखिए क्या, देखो क्वेश्चन पक्का आएगा, बता रहा हूं फिर नोट कर लो, बता रहा हूं देखो, मेयर फोर बियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर और द इन्फोर्स एनी अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम Does not discharge the surety unless the parties had agreed for such discharge. क्या मतलब हुआ देखो, नीचे इसमें एक example दिया, उसे example समझते हैं। B owes C to C a debt guaranteed by. यानी कि एक बंदा दूसरे से लोन लेता है और गारंटी कौन करता है उसको, A करता है। The debt becomes payable. However, C does not sue B for the year after the debt has become payable. Despite this forbearance A is not discharged. कहने का मतलब ये हुआ, समझ लो इस बात को, वैसे समझाना था, ये भी ये जैसे ही लिखा है ऐसे बता, अलग में से ये समझेगा उस वाला A B, ठीक है ये बैंक है मान लिया और C ने उसके नाम मत छोड़ा, इसी को C ने क्या दे दी इसको, गारंटी, गारंटी दे दी C ने बैंक को, गारंटी दे, ठीक है अब ये इससे पैसे नहीं मांग रहा, अच्छा ये भैया दे 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 भूल गया या जो भी है भूल गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी भूल, ये भूला हुआ मान ले अपने आप को, अगर बैंक इसको भूला हुआ मान ले कि भैया उससे नहीं ले रहा है तो भी ये डिस्चार्ज नहीं हुआ। पिछले क्वेश्चन की तरह है कि अगर डिस्चार्ज होगा तब ये डिस्चार्ज होगा, अगर नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ये ऐसे समझ लो, मतलब ये बच नहीं सकता, बच नहीं सकता कि भैया उससे तो मांग ही नहीं रहे मुझसे मांग रहे। देखो डिस्चार्ज होने में तो ये है छोड़ना और इसमें ये है मांगना, तो अगर वो बोरोवर से नहीं मांग रहा तो भी ये नहीं कह सकता अरे तुम उससे तो मांगते नहीं हो, इससे बच नहीं सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे बोला रिलीज ऑफ वन को सियोरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर, रिलीज ऑफ वन, हाँ अच्छा वो जो तीन चार मान लिया गारंटी देने वाले डी और ई हैं, इसको कहा भैया तुम छोड़ दिए गए बाकी, क्योंकि ये सारा इसके ऊपर है बैंक के ऊपर, हाँ जो क्रेडिटर है उसके ऊपर वो छोड़ सकता है किसी को, हाँ छोड़ सकता है भाई, उस ऐसा कब होता है जैसे बी ने लोन लिया बैंक बैंक से और उसने गारंटी दो बंदों की ली तो ये तो उसके ऊपर होनी चाहिए कि वो बोला इसको हटा दे गारंटी से, मैं ये ले लेगा मेरी गारंटी की, बैंक डिसाइड करेगा, सो बैंक इसलिए डिसाइड करेगा कि बैंक ने दिया 10 लाख का लोन, इसकी 2 लाख की, इसकी 5 लाख की, इसकी जो है 3 लाख की ले ली प्रॉपर्टी। अब ये 10 लाख का लोन आज हो गया कितने लाख का, 7 पे आ गया, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि साहब एक को छोड़ दो इस वाले को, तो नया एग्रीमेंट होगा
लेकिन इसको छोड़ने के बाद ये दोनों छूट जाएंगे ऐसा नहीं। गो सियोरिटी को छोड़ने का मतलब सबको छोड़ना नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं, बॉरोवर डिसाइड करेगा ना एक को हटा दो, बॉरोवर हां कहेगा नहीं, डिसाइड नहीं करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, डिसाइड तो उसे करना है। हां डिसाइड वे कर वो तीन जगह पांच वाले को छोड़ दो कि नहीं, मैं वो जो माने वाला बॉरोवर लिया था आज हम उसको हटा के दूसरा हो जाएगा टू कवर द सफिशियंट लोन अमाउंट, जिसकी सिबिल ठीक हो गई होगी उसको बुला। हाँ ऐसा भी कुछ होता है, कोई दिक्कत डिफॉल्ट हो सकता है। चलो आगे आ जाओ नीचे, सिक्योरिटी, अ सिक्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी, इसको समझ लेना भाई। हाँ ये जो है ना सिक्योरिटी, श्योरिटी कैन क्लेम हिज ड्यूज फ्रॉम द प्रिंसिपल लेटर, ये इसी से रिलेटेड। देखो अब देखो सुनो जरा कि इसने बैंक को पैसा दे दिया, अच्छा वो नहीं दे रहा था इसने दे दिया, दे दिया कि साहब ये तो बैंक वालों ने मेरी क्या जान खा रखी है और बदनामी बहुत हो रही है। उसने अपनी एफडी तोड़ाई और बैंक को ला भैया करो और लोन कर लिया बंद, ठीक है। अब ये देखेगा इसको तब ये कोर्ट में जा सकता है। हाँ इस केस में, क्योंकि भैया तेरे नाम का पैसा मुझे देना पड़ा क्योंकि बैंक वालों का आना अच्छा नहीं लगता था, अब इसने क्या है कोर्ट चला गया, बात समझ में आ गई, ऐसा हो सकता है, अब लड़ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल लड़ सकता है, ठीक है। अच्छा नीचे क्या है सिक्योरिटी, तो लड़ सकता है जब, तो इसका जो मकान है उस पर भी अधिकार है इसका, या उसकी प्रॉपर्टी पर भी अधिकार। लड़ने का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो पावर है उसे, और पावर किसके अगेंस्ट यूज करेगा, कि भैया जो ये पड़ा हुआ है अब बिकवाता हूं जरा, ठीक हो गया। आगे देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है, बैंक, ये क्रेडिटर है बेनिफिशियरी, हाँ बेनिफिशियरी बिल्कुल, गारंटी की केस बेनिफिशियरी है, ठीक। क्या बोलता है देखो, एनी गारंटी ऑब्टेन बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर इज इनवैलिड, क्या हुआ देखो, जैसे होता ही अक्सर जब भी गारंटर आता है तो एक तो बेचारा ये दबा रहता है, अरे आ जाओ भैया आ जाओ आ जाओ, बैंक चौड़ा रहता है, हाँ भाई यहां साइन कर दो, यहां साइन कर दो, यहां साइन कर दो, कोई ऐसी बात ही साबित कर दे कि जिस दिन इसने मुझसे साइन कराए उसने बताया ही नहीं कि बोरोवर ने 20 करोड़ का लोन ले रखा, होता है ब्लैंक में साइन करा ली साहब, और ये प्रूफ हो जाए बाद में भरा गया बच जाएगा बिल्कुल साहब, साहब गलत साइन करा दी बैंक ने, बिल्कुल मिसलीडिंग किसकी, क्रेडिटर, इसको फंसा लेते हैं, अरे कुछ नहीं है शर्मा जी कर दो कोई बात करते नहीं बैंक वाले नहीं करते, अरे बहुत अच्छा लड़का है यार मैं जानता हूँ, मिसलीडिंग हो रहा भाई। अब कहे नहीं साहब उस दिन आए थे देखो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ यहाँ बैठे थे, इनको हमने चाय भी पिलाई, वॉइस तो रिकॉर्ड हो ही नहीं है, और देखो ये सब पढ़ भी रहे थे ना 10 मिनट पूरा पढ़ा भी, कहा ठीक है। हाँ ये कह दे कि सीसीटीवी में देखो साहब जिस डॉक्यूमेंट में साइन करा देख तो लो उसमें ब्लैंक भरा हुआ है, ऐसे करके ठीक है। आगे जाओ चलो, अब आता है इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द सिक्योरिटी, देखो इसी का आस्पेक्ट आ गया, सुन लो बात को, पहली बात देखो सुन लो तीनों के साथ, इसने कहा कि भैया बैंक वाले मेरे पास आ रहे हैं मैंने पैसा दे दिया, दूसरे में कहा अब मैंने इस पर क्या कर दिया केस कर दिया, जब केस किया इसने कहा सुन लेना बात को, इसने कहा कि साहब इसने केस किया मैंने तो इससे कभी कहा ही नहीं था, अगर तू मेरा पैसा बैंक को दे देगा तो मैं दूंगा, मैं तो कहीं कहा ही नहीं, दिस इज इंप्लाइड, देना पड़ेगा, हाँ इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, पता है भैया तेरा हिस्से का दिया उसने पैसा तेरे को देना पड़ेगा, दिस इज काइंड ऑफ एम्प्लॉयड, ठीक समझ आए, बिल्कुल एग्जांपल पढ़ेंगे समझ आएगी। अच्छा को सियोरिटी फॉर द सेम डेट, सेम डेट को सियोरिटी फॉर द सेम डेट केस में हो गए दो तीन,
को श्योरिटी है फॉर द सेम डेट, क्या बोलता देखो उसमें, वेयर टू और मोर पर्सन आर श्योरिटीज फॉर द सेम डेट वेदर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द ईच अदर. अब देखो इन दोनों को हो सकता है पता ना, हाँ पता है ना जिसने दिया है, लोग लिया है. जी मैं इतने की दे रहा हूँ, इनकी छुट्टी आज थी, आज साइन करा दी इनकी. शर्मा जी वर्मा जी एक दूसरे को नहीं जानते, नहीं जानते उसको जानते, दूसरे दिन उसको आए थे वो कर दिए कि हाँ यार 5 लाख की देनी, हाँ यार नहीं हो तो क्या कहता. देखो उसमें इस केस में क्या कहता है, द को श्योरिटी आर लाइबल टू पे एन इक्वल शेयर ऑफ द होल डेट. बैंक नोटिस भेजेगा कैसे बंद करते हैं, गांव में होता है ऐसा, बड़े बड़े काइंड ऑफ उनको तो कुछ नहीं कर पाता बैंक. एक बेचारे ने 20,000 का लोन लिया था, 3 भाइयों ने उसकी गारंटी दे दी, तो बेचारे 6,000 रुपए इकट्ठा करके जमा करते हैं, करते नहीं करते, करते हैं ठीक है, लव हटाओ छोड़ देते. चलो आगे आ जाओ, है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी. रिवोक माने होता है उठ जाना, टर्मिनेट हो जाना, हाँ उस चीज का जो चल रही थी वो चीज खत्म हो जाना, बंद हो जाना, उठा लेना, बंद हो जाना अलग चीज है, उठा लेना अलग चीज है. डिसकंटिन्यू बंद हो जाए कि वो जो चीज थी वो खत्म हो गई है, उसकी उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया. क्या बोलता है देखो, अ कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड बाय द सिक्योरिटी. यानी वो जहां तक चला था उसके आगे वो कह सकता है कि भैया मैं अब इसके आगे शामिल नहीं रहूंगा, तब तक का है. तब कैसे होगा, ये तो बीच में ही बोल देगा, दूसरे साल ही बोल देगा ना, मैं बोल देगा ठीक है बोलते हैं, फिर बैंक क्या करेगा, क्या करेगा, स्पेसिफाइड ऑर्डर. नहीं 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 नहीं, इसमें बताओ क्या करता है, आगे की डेबिट के लिए जिम्मेदार नहीं मैं, दूसरे को डिसाइड कर सकता, हाँ कर सकता आगे की डेबिट के लिए. आज तक का तो है अच्छा, अब आगे अब वो बोरो फंस गया बेचारा, यार ये मेरा खाता ही चलेगा, तो अगर वो दूसरा गारंटर देगा तभी तब उसके चेक पास होने शुरू हो जाएंगे. मतलब सर एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने दी थी सिक्योरिटी, मैंने बोला आज के बाद नहीं दूंगा, और कोई लेने को दूसरा राज नहीं, तो बैंक मुझे छोड़े तो निकल गया बैंक का, फिर कौन बनेगा गारंटी, कोई नहीं, उतने पैसे के लिए तो है ना गारंटर आपके पास. अच्छा उसके बाद के लिए बैंक मुझे देगा ही नहीं कुछ, ना देगा ही नहीं वो कुछ, ठीक है. अब बात आई इंटरेस्ट बीच में नहीं जा सकता है, इसका मतलब ये है कि जैसे 2 साल बाद बोला तो 2 साल बाद ही बोलेंगे आ भी नहीं जाऊंगा मैं, 2 साल तक तो पहले से नहीं, वो बीच में बोल सकता है फिर बीच में. लेकिन ये रिलीज कब करेगा, रिलीज करेगा आज तक के लिए तो पकड़ा रहेगा ना, तो पैसे तो कम होंगे ना, कौन से इंटरेस्ट जो अगर अगर ये 2 साल में नहीं देता पैसा तो बैंक में नोटिस भेजेगा, ला भाई अभी तो दिया ही नहीं उसने. रिलीज ना करना अलग है, आगे कंटिन्यू करना अलग है. इसने आगे से उठा लिया, अब नहीं आगे का एक पैसा नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट देगा उस दिन तक का जो पैसा है प्लस उसका इंटरेस्ट मेरी जिम्मेदारी, प्लस इंटरेस्ट आगे का इंटरेस्ट नहीं आएगा तो नहीं, इस पैसे का एग्जिस्टिंग फंड का, ठीक है समझ रहे. रिवोकेशन हो गया तो ये हमारा शुरू होता है, क्या 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 खत्म हो भैया, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमारा जो है खत्म हो गया.